हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम ठीक हो? हाँ सर। गुड। हेलो सर। अभिजीत कहाँ हो तुम? अभिजीत मुझे ट्रेन की आवाज कैसे आ रही है? हाँ, अरे तुम्हें तो एम्बुलेंस में होना चाहिए था ना। फिर कहाँ हो तुम? सर वो मैं डॉक्टर के पास नहीं गया सर, मैं ट्रेन में वापस आ गया हूँ सर। क्यों हॉस्पिटल नहीं गए? मैंने कहा था ना हॉस्पिटल जाने के लिए, अभी इसी वक्त निकलो वहां से, जाओ हॉस्पिटल। सॉरी सर, लेकिन मैं इस मिशन को बीच में छोड़कर नहीं आ सकता सर। मैंने कहा था ना निकलो वहां से। देखो अभिजीत, तुम्हें तुम्हारी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तुम सबके जान की फिक्र है। दया ने मुझे बताया वो घाव बहुत गहरा है, चाकू लगा कैसे तुम्हें? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं अरविंद के सामने आया तो उस समय देर हो गया और चाकू मुझे लग गया है। लेकिन सर छोटा सा मामूली घाव है सर, जल्दी ठीक हो जाएगा। मामूली सा घाव है, ठीक हो जाएगा? दया क्या झूठ बता रहा था? सर उन दोनों के बारे में कुछ पता चला सर? हाँ, ये अरविंद उसे हाइडआउट गैंग का मेंबर है, हनी गैंग का। क्या मतलब सर? आज जो कुछ भी होने वाला है उसमें अरविंद शामिल है सर? बिल्कुल सर। ये ललित के बारे में कुछ पता चला सर? मगर सर ये ललित को क्यों मारना चाहता है? वही तो पता नहीं उसे क्यों मारना चाहता है। चौंकाने वाली बात ये है कि ये ललित भी उसी गैंग का मेंबर है, उस हनी गैंग का। सर एक ही गैंग का आदमी अपने दूसरे साथी को क्यों मारना चाहता है? क्या चक्कर है सर? क्या वजह हो सकती है? धोखा अभिजीत, धोखा। और क्या, एक काम करो, इस ललित को बताओ उसे कि उसी के गैंग मेंबर्स उसकी जान के पीछे पड़े हैं। बताओ उसे, सब कुछ बता देगा, सब कुछ उगल देगा वो। देखो ओके सर, मैं अभिजीत ये सब ट्रेन एक्स मार्ग तक पहुंचने से पहले पता चलना चाहिए, समझे? एक्स मार्ग तक पहुंचने से पहले, तभी तो पता चल जाएगा इस गैंग का मकसद क्या है। हनी गैंग। आप लोग जरा हटिए। हटिए प्लीज, जल्दी सर। सवाल पे श्रेया, श्रेया क्या हुआ इनको? किसी ने हमला किया श्रेया। अब तो ट्रेन में सफर करना भी मुश्किल हो गया है। मैम सर ये पानी का बोतल दीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच। श्रेया, नब्ज़ भी चल रही है, बेहोश हुई है।
ऐसा किसने किया होगा ये सर? अब ये तो वो घूंघट वाली औरत ही बता सकती है। मैम थैंक यू, आप इनका ख्याल रखेंगे, हम लोग तुरंत वापस आएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। थैंक यू, चलो। थैंक यू। गैंग का आदमी है और तुम लोग यहाँ पे एक खास मिशन के लिए आए हो। मिशन? देख, देख, मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी जान खतरे में है, तेरा जो दोस्त है अरविंद वो तेरी जान लेने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो? ये देख, ये चाकू का घाव है, वो चाकू तेरे लिए था समझा, और मैं बीच में आ गया, तू बच गया। पर वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो मुझे पता नहीं है, मुझे पता कि तेरा प्लान क्या है। प्लान? देख, मैं CID से हूँ समझा, अगर तू हमारी मदद करेगा तो शायद तू बच सकता है, वरना जाएगा बहुत सालों के लिए अंदर समझा। वो जो नक्शा है, नक्शे में जो क्रॉस बना हुआ है, एक्स पॉइंट, क्या होने वाला वहां पे? ड्रग डील होने वाली है साहब। ड्रग्स की कोई डील नहीं होने वाली है, जो भी होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, और उसके पीछे बुड्ढा बुड्ढी का हाथ है। बुड्ढा बुड्ढी? जी, वो इसी ट्रेन में मौजूद है साहब। साहब अपना कुछ नहीं, अभी मैं जाऊं साहब। ठीक है, इतने सारे लोगों के सामने बात करना ठीक नहीं है, हमेशा उसे किसी तरह से बाहर लेके आओ। अमीशा के ऊपर हमला तुम्हारे सामने ही हुआ था ना, और क्या जानती हो तुम उन गुंडों के बारे में? तुमने उनकी कोई बात सुनी? वो मैं देखो, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए, अगर तुम हमें सारी बात साफ साफ नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ये सब उन्हीं लोगों का काम है। कौन लोग? वही जो मेरे साथ है। तुम्हारे सास ससुर? वो लोग मेरे सास ससुर है ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने मुझे अगवा किया है। क्या? हाँ, वो लोग तो अपनी सीट पर नहीं है। कहाँ है वो? वो लोग भाग के कह रहे थे कि कुछ होने वाला है यहाँ पे। क्या करने वाले वो? अभिजीत सर। अभिजीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था इस वक्त। बाद में नाराज हो जाना, पहले मेरी बात सुनो। ये जो ललित है ना, जिसके चक्कर में मुझे लगा, जिस पे हमला होने वाला था, उसको पकड़ा मैंने अभी। उसने बताया कि उन लोगों का मकसद ड्रग का लेन देन नहीं है, कुछ और होने वाला है, और सारे खेल के पीछे कि कोई बूढ़े पति पत्नी है इसी ट्रेन में है। ओ अभिजीत, ये अमीषा है, इसे भी एक बूढ़े पति पत्नी ने अगवा किया, इसके सास ससुर बनने का ढोंग कर रहे थे। सर, ये अमीषा को अगवा करना और ये लेन देन, ये जुड़ा हुआ तो नहीं है? हो सकता है। कहाँ है वो दोनों?
वो लोग अभी अभी उतरे हैं, कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, पर यहाँ पे यहाँ आसपास कोई स्टेशन भी नहीं है। ये देखो, ये तो वही जगह लग रही है जो जो उस नक्शे में मार्क किया था ना क्रॉस का। चलो देखते हैं। ये दोनों इधर भाग रहे हैं। सुनो मिशा, तुम अंदर ही रहना। बस 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 भागा दौड़ी अच्छी नहीं है, कहाँ भाग रहे हो? क्यों अगवा करते हो और सजा कौन भुगतेगा? अगवा सजा, ये क्या कह रहे हैं सर? सर हमें उस स्टेशन तक पहुंचना है सर। सर हमने किसी को अगवा नहीं किया, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। अमिशा को अगवा किया, हमारे ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश की और कहती हैं कि हम बेकसूर हैं। नहीं सर, हम तो खुद किसी की साजिश का शिकार हुए हैं। हमारे बच्चों को बंधक बना के रखा गया है। हाँ सर, अब उन्हीं को बचाने के लिए हम भाग रहे थे सर। किसने किसने बनाया बंधक? सर उन लोगों को हम नहीं जानते। दरअसल हम पर दबाव बना गया था कि उस लड़की को अगर चुपचाप हमारे पास लेकर यहाँ आ जाओगे तो तुम्हारे परिवार वालों को हम कुछ नहीं करेंगे और उन्हें छोड़ देंगे सर। लेकिन आपके बच्चे हैं कहाँ? हमने उन बदमाशों को परेशान देखा तो मौका देख के उनको चकमा दे के हम ट्रेन से निकल गए। कौन बदमाश? सर वो जो दो थे ना हमारे बगल में बैठे हुए थे। तो तुम दोनों अमीषा पे नजर रखे हुए थे और वो दोनों तुम पे नजर रखे हुए थे, पर वो तो अभी भी वहीं थे। एक काम करते हैं, हम लोग अगले स्टेशन पे पहुंचते हैं। निखिल और पंकज को फोन करो, अगले स्टेशन पे गाड़ी पहुंचने से पहले बदमाशों को दबोच लें। चलो चलिए। अरे भाई साहब हटिए हटिए हटिए। अरे ये दोनों जहां पे बैठे थे वो लोग कहां गए? ऐसा बोलो किस तरफ गए आपने देखा? आप लोग दूसरों के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हो? बताओ क्या सर हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं, बड़ा कंपार्टमेंट है, लोग इधर बैठ जाते हैं। बस यही जानना चाहते थे कि लोग गए किस तरफ। हाँ, इस तरफ। वो लड़की वो वहाँ पे बैठी थी, वो लड़की कहाँ गई? आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ बैठ कर हिसाब कर रहे हैं कि कौन आया कौन गया? जरूर कोई बात है, बताइए क्या बात है, बताइए बताइए, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। लड़की मुसीबत में हो सकता है। कंपार्टमेंट के अंदर या बाहर कहीं दिखे नहीं, और सब प्लेटफॉर्म पे भी नहीं दिखे सर। अरे यार ये कहीं दूसरी तरफ से तो नहीं निकल गए? सर वो लड़की अमीषा वो भी गायब है कंपार्टमेंट में से। हाँ हाँ सर, लगता है वो दोनों लेके चले गए उस लड़की को। हो सकता है। निकल काम करो, मोटर में से कहो जब तक हम लोग नहीं कहेंगे ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। चलो तब तक ढूंढते हैं उन कबूतरों को जो इनके बच्चों को बंधक बना के रखे हैं। बच्चे कमरे में। बच्चों आओ बाहर आओ, आजा संभाल के संभाल, ठीक हो? हाँ हमें बचा लो, हमें इन गुंडों ने पकड़ के रखा है, प्लीज हमें बचा लो। देखो डरो मत, हम लोग आ गए, हम लोग CID से। बता, इस मास
मास्टर प्लान के पीछे कौन है हा? और किस चीज की स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग? हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस इन बच्चों को यहाँ पे पकड़ के रखने कहा गया। कौन है वो? किसने बोला था? हमें नहीं पता साहब, हमें तो बस फोन करके फोन पे कहा गया था। चल उनका नंबर दे जल्दी। निकल। क्या वो नंबर क्या है? 1177988800। हाँ ठीक है, हम लोग तुरंत ट्रैक करते हैं। ओके देखो देखो जल्दी पता तो चलिए नंबर है किसका और कहां पर है। सर जिन गुंडों ने बच्चों को किडनैप किया था इसी नंबर से उनको फोन आया था सर। क्या सर? इसी नंबर से? तो फिर यही हमारा मिशन है सर। इसका मतलब इन सबको किसी ने फंसा कर रखा है और खुद पर्दे के पीछे। सर वो बैग, सर जब मैं दीपक से खाना मांग रहा था सर तो उसने अपना बैग सीट के नीचे और ढकेल दिया। आपके बैग में कुछ खाने के लिए होगा, मुझे बहुत भूख लगी। नहीं सर, दीपक और प्रकाश सर जब हम उन्हें ढूंढते हुए कंपार्टमेंट वापस आए थे तो उनका बैग भी गायब था सर। वो बैग उन्हीं का है सर। अरे ये 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 दो लोग यहाँ पे बैठे, दो लोग कहाँ गए? वो स्मगलिंग का सामान शायद उस बैग में ही है। इसका मतलब हम जब इन लोगों का पीछा कर रहे थे रेलवे ट्रैक पर तब किसी ने बैग की अदला बदली की है। हमारी नाक के नीचे से निकल गए वो लोग। और सर आखिर तक पता ही नहीं लगने दिया कि वही असली मुजरिम है। सर ये नंबर किसी अर्शुल का है। ये कैसे हो सकता है? ये फोन नंबर वहीं पर है जहां पर ट्रेन रुकी है उसी स्टेशन पर और जहां पर हमारे ऑफिसर भी मौजूद है। एक मिनट। सर हाँ सर, वो नंबर किसी अर्शुल नाम के आदमी का है और नंबर वहीं पर है, वो फोन वहीं पर है पार्टी स्टेशन पर जहां पर ट्रेन रुकी है और जहां पर तुम लोग भी मौजूद हो। बस 100 मीटर की दूरी पर है तुमसे। ठीक है सर, हम देखते हैं। वो मोबाइल फोन अभी भी यहीं पर है पार्टी स्टेशन पे। तो मुझे मैं आसपास ही है, गिरते हैं उसको। और भी वो नंबर ट्रेस करो। देखिए मेरा नाम रति है। मुझे क्या हुआ? आपको चोट लगी है, संभल कर प्लीज। चोट? आओ। तुम्हारा नाम नहीं बताया तुमने? अरे मैं क्या शर्मा रही हूँ, नाम तो बता दो। अमीशा, मेरा नाम सिमरन है। देखो अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कोई मदद नहीं कर सकता मेरी, कोई नहीं। तुम्हारे सास ससुर तुम्हें तंग करते हैं क्या? वो लोग तो मेरे सास ससुर है ही नहीं। लेकिन प्लीज उनको मत बताना, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे? फिर तुम उनके साथ कैसे बैठी थी? ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कुछ नशीली दवाइयां खिलाई, बस होश आया बस ट्रेन में। अच्छा तुम उनके बारे में और क्या बता सकती? वो लोग
कुछ एक्सचेंज की बातें करते रहते हैं। एक्सचेंज? कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिनकी हमें तलाश है? अच्छा, उनके बारे में तुम्हें और कुछ याद है, कोई खास बात? वो लोग अंधेरी स्टेशन पर कुछ रेलवे यार्ड की बातें कर रहे थे। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक सीआईडी ऑफिसर, तुम इन लोगों के बारे में और क्या जानती हो? वो मैं बात ये है कि मुझे सर पे किसने मारा? मेरे भाभी के साथी कहाँ है? देखिए, उन्होंने ही मुझे आपके देखभाल के लिए यहाँ पर रखा है। अरे आराम से, आपको चोट लगी है। मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे साथियों को ढूंढना है। मेरा फोन आपके पास फोन है, मुझे कॉल करना प्लीज। सॉरी, मेरे पास फोन नहीं है। सर आगे, सर फोन का सिग्नल इस तरफ बता रहा है। सर यहाँ, सर उस तरफ है। उस तरफ? हाँ सर। कहाँ पर? सर वहाँ जंगल की तरफ। क्या कर रहे क्या? चलो देखते हैं। अमीशा अमीशा ये सब क्या चक्कर था? मेरा नाम अमीशा है। मेरे पापा डायमंड का बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो एक गैंग है जिन्होंने मेरे पापा के पास से 50 करोड़ के हीरे चोरी कर लिए और जमानत के तौर पर मुझे भी अगवा कर लिया। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दोनों उसी गैंग के आदमी हैं। मुझे नशे की गोलियां देकर इस ट्रेन में लाया गया, बस इतना ही मुझे पता है। पर तुम्हारा बैग को लेकर उन दोनों के साथ झगड़ा कैसे हुआ? मैंने उनका प्लान सुन लिया था, इसीलिए जब ट्रेन रुकी तो मैं बैग लेके कहीं छुप गई। सोचा कि बैग भी मेरे पास आ गया है और आप लोगों की मदद से मैं बच जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और वो बैग लेके भाग गए। मतलब वो डायमंड्स अभी भी उसी बैग में है? हाँ सर। देखते हैं, शायद निखिल और पंकज उन दोनों को पकड़ ले बैग के साथ। Thank you.
चिल्लाऊंगी तो ये लोग चौंकना हो जाएंगे। कार्थक सर, सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सर मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा। कार्थक जी आप बिल्कुल घबराइए मत, यहाँ पर देखिए हमें पता है आपकी बेटी अगवा हो गई है और आपके हीरे भी लूटे गए हैं ना। सर ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? सर मुझे इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। देखिए कार्तिक जी, हम सब कुछ जानते हैं कि लुटेरों ने आपको धमकी दी कि अगर आप पुलिस के पास गए तो आपकी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर कार्तिक जी आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, हमारे ऑफिसर्स के पास है। सच? सर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है ना? सर, है कहां पर? मैंने कहा ना कार्तिक जी, आप अमीषा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो गुंडे उसे मुंबई अहमदाबाद ट्रेन से ले जा रहे थे लेकिन अब वो हमारे ऑफिसर्स के पास है। सर थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा कार्तिक जी बताइए कि ये लूट और किडनैपिंग हुई कब? सर दो दिन पहले लुटेरे मेरे डायमंड और मेरी बेटी को उठाकर ले गए और मुझे बोला कि अपना मुंह बंद रखना। सर मुझे डायमंड्स की बिल्कुल चिंता नहीं है, बस मेरी बेटी मुझे सही सलामत मिल जाए। मैं समझ सकता हूँ कार्तिक जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी आपके पास सही सलामत पहुंचेगी, सही सलामत। भाई साहब प्लीज प्लीज मुझे फोन दीजिए, कॉल करना प्लीज। भाई साहब प्लीज मुझे फोन दीजिए, एक कॉल करना है प्लीज। भाई साहब मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है प्लीज। थैंक यू। दया सर मैं श्रेया बोल रही हूँ। श्रेया तुम ठीक तो? सर मैं ठीक हूँ। सर निखिल और पंकज जिन दो आदमियों का पीछा कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म पे है और बाहर निकल रहे हैं। ओके ठीक है, उन पे नजर रखना, वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए, हम लोग अभी पहुंचते हैं थोड़ी देर में। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। सिया ने उन बदमाशों को थोड़ी देर पहले वहां पे देखा है, वो लोग निकलने ही वाले हैं। पूर्वी तुम इसको लेके जाओ, हम लोग देखते हैं। सर तुम यहाँ? मैंने सोचा। क्या सोचा? तुम दोनों ने मुझे मार दिया। हाँ सीआईडी को कभी कमजोर मत समझना। लेकिन इस बार तुम बच के नहीं जा पाओगी। चल भाग भाग जल्दी जल्दी भाग। ये अच्छी बात नहीं, लड़की एक और तुम दो, अब हम लोग आ गए, अब खेल अच्छा हो। आ जाओ। We'll be right back.
कहाँ जा रहा है, है? देखे जरा कैसे हीरे हैं वो, इसके लिए इतनी भागम भाग हो रही है। सर, सर मैंने तो इसी बैग में देखे थे, इसी में होने चाहिए सर। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा, कौन खेल रहा है ये खेल? सर, सर हमें नहीं मालूम सर, हमें तो उन बूढ़े पति पत्नी पर नजर रखने के लिए कहा गया था सर। ओ सर, इस बैग को स्टेशन के बाहर पहुंचाना था सर, अंधेरी के रेलवे यार्ड में कोई मिलने वाला था सर। सर अमीषा ने यही बात सुनी थी, शायद डायमंड्स की डिलीवरी वही होने वाली थी। मगर डायमंड्स कहां गायब हो गए, इसमें तो सिर्फ कपड़े। सर हमें नहीं पता सर, हमें तो सर इतना पता है कि सारे हीरे हरे रंग के कपड़े के बेल्ट में छुपा के रखे हुए सर। हरे रंग के बेल्ट में? हाँ, हमने तो सिर्फ बेल्ट ही देखा था सर। सर मुझे पता है डायमंड्स का और इस खेल के पीछे कौन है। वो कार आगे ही होनी चाहिए, तुमने उसे समझाया था ना? हाँ, मैंने उसे फोन किया था, मैंने कहा था जितनी देर हो सके उसे बातों में उलझा के रखो, तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अभिजीत हो रही कार? पूर्वी, ओ माय गॉड, पूर्वी पूर्वी सर मैं ठीक हूँ सर। जल्दी गाड़ी में बैठो। पर ये सब हुआ कैसे, तुम बाहर कैसे गिर गई? वो सर अचानक वो लड़की ने गन निकाल दी। कूदो यहाँ से, वरना इस ड्राइवर को मैं मार दूंगी। अमीषा, ड्राइवर मरेगा तो कार का एक्सीडेंट होगा और तुम भी मरोगी। तुम नहीं मानोगी ना, नहीं कूदोगी ना तुम? ठीक है ड्राइवर, तुम मरने के लिए ना तैयार हो जाओ, क्योंकि ये ऑफिसर तुम्हें मेरी ही गोली से मरवाना चाहती है। अमीषा, ये सब करके कोई फायदा नहीं, हमारी टीम तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम इस वक्त मेरी नहीं, इस ड्राइवर की सोचो, क्योंकि ये मासूम सा इंसान अब तुम्हारी वजह से मरने वाला है, और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी चलो तय, हाथ से निकलने नहीं चाहिए वो लोग। चारों तरफ फैल जा।
छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ती हूँ कि नहीं, छोड़ो, छोड़ो। चलो, छोड़ो मुझे, चलो, सीधी तरह से चलो इधर, छोड़ो, सीधी तरह से चलो, छोड़ो मुझे। ओ, भोली भाली घूंघट वाली गुमसुम से दिखने वाली अमीषा डायमंड स्मगलर है। बड़े जतन से छुपा के रखा है तुमने वो डायमंड, कहाँ है? मेरे पास नहीं है वो बेल्ट। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा था, वो बेल्ट तुम्हारे पास ही है। सही है, देखिए। जब ये सारे डायमंड्स तुमने ही छुपा के रखे थे तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं बताता हूं। कौन है तुम? छोड़ दो मेरी बेटी को, वरना तुम्हारी खूबसूरत ऑफिसर अपनी जान से जाएगी। बिल्कुल सही वक्त पे आए पापा। ठीक है, तुम पूर्वी को उधर से भेजो, हम भेजते हैं अमीषा को। जाओ। मैंने कहा तुमसे इलाज करवा, मैंने भी कहा था यार मिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद इलाज करवा लेंगे, अब ले चलो, चलो। अब बता कहाँ भेज रहे थे ये डायमंड्स, किसे देने वाले थे? सर हम इनको कहीं नहीं भेज रहे थे, बल्कि डायमंड्स को बाहर से स्मगलिंग करके इंडिया में मंगाते थे, उसके बाद अपनी दुकान पर ले जाते थे। हम ये हमेशा से करते आए, लेकिन डायमंड्स को हम सीधा अपने शॉप में नहीं लेके जाते, घूम फिर के जाते ताकि किसी को हम पे शक ना हो। लेकिन इस बार हमें पता चल गया कि ट्रेन में कुछ होने वाला है और तुम्हारे इस खेल का पर्दाफाश हो गया। हमें आप लोगों के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने ये मजबूरी का नाटक किया ताकि किसी को मुझ पर शक भी ना हो, हमें अपना काम करके निकल जाओ। यही तो हमारी कमजोरी है कि हमें किसी का दुख नहीं देखा जाता। तुम्हारी हालत देखकर हमने तुम्हें हॉस्पिटल भेजा, वो भी बिना सिक्योरिटी चेक के। लेकिन गुनहगार ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता, एक ना एक दिन उसे कानून के शिकंजे में आना ही पड़ता है। निकल, ले जाओ। हेलो, क्या जयवंती ठीक है? थैंक यू सर। सर जयवंती ठीक है। चलो, बड़ी खुशी की बात है, जयवंती भी ठीक हो गई और ये केस भी सॉल्व हो गया। सर मेरा भी केस सॉल्व हो गया। सर तुम्हारा कौन सा केस था भाई? सर मैं सुबह से बहुत परेशान था, खाना खाना खाना, इतनी भूख लग रही थी, इतना मन लग रहा था कि बस खाते रहो, ढोकला जलेबी, मगर सर मैंने नहीं खाया सर, क्योंकि खाने का टाइम ही नहीं था। भागे जा रहे यहाँ से, वहाँ से यहाँ। सर फिर मैंने रियलाइज किया सर, मैंने ये रियलाइज किया सर कि जब मैं खाना नहीं खा रहा हूँ या कम खा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, थोड़ा प्रेशर कम लग रहा है सर, तो मुझे मुझे खाना कम कर देना चाहिए सर, अच्छा फील होगा। चलो देर से सही, समझ में तो आया।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.